man of the future world. Vicky, Vicky! देखो इस पिक्चर में मेरा होमवर्क एक मशीनी रोबोट कर रहा है, और ये अगला वाला देखो इसमें वो मेरे लिए शॉपिंग कर रहा है, और यहाँ मेरी गलती के लिए लोगों से वो माफ़ी मांग रहा है। कहो अब क्या कहते हो, कैसा लगा तुम्हें? तुम ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं अपने लिए ऐसा ही रोबोट चाहता हूँ, ना कि तुम्हारे जैसा, समझे? तुम बहुत ही सेल्फिश हो। मैं सेल्फिश हूँ? तुमने ऐसा क्यों कहा? अरे क्यों ना कहूँ, ये सारी चीजें जो तुमने मुझे दिखाई क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं करता? रहने दो रहने दो, मेरे होमवर्क में सारे जवाब गलत देते हो और सर से डांट खिलवाते हो, शॉपिंग करने जाते हो तो बेकार की चीजें उठा लाते हो, मम्मी से बहस तुम करते हो, डांट हमेशा मुझे खानी पड़ती है। अब बोलो मैंने कुछ गलत कहा है? बोलो बोलो। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं तो तुम्हारा ही रोबोट हूँ ना। हाँ वही तो, तुम्हारी इसी बात से तो मुझे नफरत है। तुम देख लेना कुछ समय बाद ऐसे रोबोट आएंगे जिन्हें जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल कर सको, तब मजा आएगा। हाँ मैं परमान बोल रहा हूँ। मैं बोल रही हूँ, वो भी अल्प आराम दिया, जल्दी आ जाओ, बहुत बस गिर रही है। तो तुम सब स्कीइंग कर रहे हो या स्नो फाइटिंग? हाँ सब सुधरोगे तुम, हम सब यहाँ लोगों की मदद करने आए हैं जो यहाँ बर्फ में फंसे हैं। अरे नहीं कितना बोरिंग है ये सब। अरे शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए, परमान स्पेस का हीरो है, तुम जैसा जीरो नहीं। ये पाकू हमेशा जल्दी में क्यों रहती है? अरे इसका जवाब तो कोई भी दे सकता है। परमान तैयार। अच्छा रोबोट मैं जा रहा हूँ, तुम मेरा होमवर्क कर देना, समझे? पर मैं होमवर्क में गलतियाँ करता हूँ ना तो फिर क्यों करूँ? जानता हूँ पर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, चलता हूँ। सुनो तो अगर मित्सुओ इसी तरह पढ़ाई से जी चुराता रहा तो कभी कुछ नहीं बन पाएगा। ओ, लगता है बहुत ज्यादा बर्फ गिरी है। वैसे इतनी ठंड में एक्सीडेंट होना तो एक आम बात हो गई है, पता नहीं ये सर्दियों का मौसम कब खत्म होगा। वैसे एक बात तो है, भविष्य में इन परेशानियों से जरूर छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी होगी कि वो मौसम पर भी काबू पा लेगी, यहाँ तक कि बारिश में भी सूरज निकलेगा। लेकिन अभी का समय तो कितनी मुश्किलों से भरा है, अब पता नहीं पाको और बाकी सब कहाँ है। अरे पाको, पायन, बूबी। परमान तुम ठीक तो हो ना? कौन हो तुम? ज्यादा हिलो डुलो नहीं परमान, तुम्हें चोट लगी है। लेकिन बताओ तुम हो कौन? ये तो बिल्कुल यूकी जैसी दिखती है। मेरा नाम अकीसुआ है, मैं यूकी की बेटी हूँ। अच्छा तो वो है मित्सुओ यानी कि मैं, और वो है यूकी, उसके साथ जो आंटी बैठी है वो गांको है, और बाकी सब सुआ परिवार के बच्चे हैं यानी कि मेरे बेटा बेटी और पोता पोती। ये सब क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ परमान बेटा? कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा हूँ। तुम हैरान इसलिए हो रहे हो क्योंकि 100 सालों से तुम जमीन के अंदर दबे हुए थे। काफी समय बीत गया है, देखो ना मेरी भी यूकी के साथ शादी हो चुकी है। रोबोट लगता है तुम्हें ये सब देखकर शौक लगा है। शौक तो लगेगा ही, मैं कहा जानता था कि रोबोट भी बूढ़े होते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, पर हमें ये भी तो नहीं पता था ना कि परमान 10 साल में वापस आएगा या 20 साल में, जबकि तुम्हें तो पूरे 100 साल लगे वापस आने में। पर 100 साल बाद तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। मेरा परमान आ गया। अरे गांको तुम यहाँ? इतने प्यार से मुझे मत बुलाओ, मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं जब तुम मेरा हर वक्त ध्यान रखते थे। ये क्या कह रही हो गांको, हर वक्त तो तुम परमान से लड़ती रहती थी। तुम अपना मुंह बंद रखो मित्सुओ। वैसे परमान तुम्हें अब पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। पढ़ाई? लेकिन वो क्यों? इसलिए क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं जिन्हें तुम्हारा सीखना बहुत जरूरी है, समझ गए ना बेटा? मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है गांको। इतना शर्माओ मत, पहले तुमने हमारी मदद की थी, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है? अरे नहीं क्या नसीब है मेरा, यहाँ भी ये स्पेशल तकनीक है अच्छी नींद के लिए, आजकल तकिए से ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। ये है मेमोरी पिल्स, जैसे इन्हें मुंह में डालोगे हर तरह की जानकारी अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाएगी।
आओ आओ यहाँ आओ, तुम्हें और कुछ दिखाता हूँ। तुम तो समझ गए होगे ये क्या है। ये तो एक रोबोट है ना। हाँ हाँ, तुमने सही पहचाना। सालों पहले जिस चीज की तुम कल्पना करते थे वो अब हकीकत हो चुकी है। ये रोबोट सारा होमवर्क कर देगा और शाबाशी इसके मालिक को मिलेगी। ये जरूर अच्छा होगा, तुम्हारी तरह नहीं जो हर काम बिगाड़ देगा। अब तुम इनमें से जो भी पसंद करो वो खरीद लेना और पढ़ाई शुरू कर देना। इतनी कमाल का जमाना है ये। इस युग में हम तकनीक के सहारे मौसम पर काबू पा सकते हैं और अब इतनी बुरी तरह स्नोफॉल भी नहीं होगा जिसने 100 साल पहले मुझे दबा दिया था। वाह क्या स्पीड है, बढ़िया। अरे अचानक तुम्हें क्या हुआ? क्या बात है, देखो सब कितनी तेजी से जा रहे हैं। तो तुम इनकी स्पीड से मुकाबला कर रहे थे? अरे छोड़ो भी। पर क्यों? जो मजा तुम्हारी पीठ पर सवारी करने का है वो इन तेज चलने वाले रॉकेटों में नहीं है। हा? वो बच्चा तो खतरे में है। मुझे रोका क्यों? बस तुम देखते जाओ। कमाल हो गया, देखा तुमने? पर ये कैसे मुमकिन है? इसे ह्यूमन डिफेंस सिस्टम कहते हैं जो आजकल हर कार में लगा होता है। इसी की वजह से आजकल रोड एक्सीडेंट भी नहीं होते हैं। लेकिन कार वापस जमीन पर बड़ी आसानी से उतर गई। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि 2050 में बनी ये कार फ्रीजी प्लास्टिक से बनाई गई है। क्या फ्रीजी प्लास्टिक? हाँ, इस प्लास्टिक का वजन ना के बराबर होता है। पानी के जहाज और हवाई जहाज भी इसी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, इसलिए अब यहाँ पर मैन की शक्तियों की कोई जरूरत नहीं। समझ गया। यहाँ के आसमान में उड़ता हो तो लगता है कोई 5 साल का बच्चा उड़ रहा है। इस जमाने में मेरी शक्तियों का कोई फायदा नहीं, ऊपर से मेरे सारे दोस्त भी बूढ़े हो गए हैं। यानी सन 2080 में मेरे होने का कोई मतलब ही नहीं है। एक बस ये सूरज ही है जो बिल्कुल वैसे ही उगता है जैसे 100 साल पहले उगता था। अरे अरे ये क्या हुआ? सब लोग ध्यान से सुनिए, वेदर कंट्रोल सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है। हम मौसम पर काबू नहीं पा रहे हैं। अगले 30 सेकंड में यहाँ भारी मात्रा में बर्फ गिरने वाली है। सब लोग अपने अपने घर चले जाएं। आप सुन रहे हैं ओल्ड हीरो? क्या आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ, जल्दी से अपनी कार में घर चले जाइए। अगर उड़ कर गए तो शायद देर हो जाएगी। मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। ओहो, ये वार्निंग तो देकर गई, पर मेरे पास कोई कारवार नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ? जल्दी से जाकर कहीं छिप जाता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। तुम यहाँ मजे से खर्राटे ले रहे हो? पाकू, पाया, बूबी, तुम सब, शायद मैं जिंदा हूँ इसलिए दर्द भी हो रहा है। तुम सच में बहुत खुश नसीब हो परमान, तुम्हारी चादर की वजह से तुम बच गए हो। चलो अंत भला तो सब भला। जानते हो थोड़ी देर पहले जब तुम बर्फ में दब गए थे तो मैं बहुत डर गई थी परमान। तुम सब तो मुझे पहले जैसे जवान लग रहे हो। अच्छा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ मैं वर्तमान में हूँ। हिप हिप हुर्रे! ये क्या बोल रहा है? मैं इस जमाने में वापस आ गया। अब मैं पहले की तरह परमैन बनकर अपने काम कर सकूंगा। हुर्रे! लगता है दिमाग पे असर हो गया है। बर्फ में दबने की वजह से दिमाग कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया है। तुमने बिल्कुल सच कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरा ये जमाना तो वाकई बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है। मैं परमैन बनके वापस अपने काम करूंगा। ही या!